हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए और एक 3D होम प्लान लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ड्रीम होम और मैं हूं सतीश पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज एक बेहतरीन जो है 3D होम प्लान देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने एक आज बेहतरीन होम प्लान लेकर आया हूं और यह 3D में भी मैंने बनाया है। अभी इसके आगे मैं आपको इसका वॉक थ्रू दिखाता हूं और अंदर का लेआउट दिखा दूंगा, तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत किया है इसको बनाने में, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, फटाफट एक लाइक कर दीजिए और यह उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि यह सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो आप लोग देख रहे हैं यह स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है सब कुछ अरेंज होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और यदि आप लोगों को कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, कार जो है मूव होते हुए आपको दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग 3D वॉक थ्रू देख लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह इसका जो है 3D वॉक थ्रू है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। यह अभी आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, देख लीजिए सामने से ऐसा दिखेगा। और यह इसका लेफ्ट साइड व्यू है, देखिए। तो इसका जो टेरेस प्लान है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ऊपर पूरा खाली है, केवल ऊपर देखिए यहाँ पे ये पूरा छत है और यह स्टेयर केस है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे टेरेस दिया गया है, यहाँ पे एक विंडो लगाया गया है निकलने के लिए। और ये देखिए, जो घर में एसी लगा हुआ है उसका ये ऊपर का जो हिस्सा, ऊपर जो फैन है वह रखा गया है, 4 AC है। और ये देखिए साइड का प्लान देख रहे हैं, कितना खूबसूरती से सब कुछ इसमें जो है सजाया गया है। ये देखिए फ्रंट व्यू। चलिए अब इसके अंदर का लेआउट देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड में जो है स्टेयर केस दिया गया है, देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और यह पार्किंग एरिया है, पोर्च। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे, देखिए गेस्ट रूम है। ये देखिए डाइनिंग हॉल है, देखिए इसमें चेयर टेबल का जो है लेआउट कितना खूबसूरती से किया गया है। और चलिए बेडरूम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है, यहाँ पे एक बेड का लेआउट किया गया है। यह जो है एक स्प्लिट AC यहाँ पे लगाया गया है और यह जो है अटैच टॉयलेट है, देख सकते हैं आप। देखिए यह WC है। ये देखिए दोस्तों, हॉल है। और अब यहाँ पे एक और बेडरूम दिया गया है, चलिए उसको हम अंदर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेड लेआउट किया गया है और यह एक अलमीरा भी दिया गया है सामान रखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यह जो कॉमन टॉयलेट है इसमें देखिए यहाँ पे एक WC सीट जो है लेआउट किया गया है। और इसके सामने जो है यह हैंड वॉश विथ मिरर जो है लगाया गया है। ये देखिए टॉवल रेल है और यहाँ पर आप कपड़ा वगैरह लटका सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है टॉयलेट का आइटम आप यहां पे रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से सब कुछ इसमें सजाया गया है। यह एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। और यहां पे देखिए शावर लगाया गया है। ये देखिए इतना जो है ऊपर ओपनिंग है और इसके नीचे यहां पे जो है एक वॉशिंग मशीन रख दिया गया है और एक छोटा सा यहाँ पर टैप दिया गया है। और देखिए किचन से यहाँ पर विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। और यह किचन का जो है प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे गैस चूल्हा, यह किचन कैबिनेट है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जो है एकदम लेआउट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यह पूरा इतना एरिया OTS है। ये देखिए दोस्तों, स्टेयर केस है। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का जो है छत जो है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए इतना ऊपर जो है बैठने के लिए जो है जगह दिया गया है। यहाँ पे खड़े होंगे तो सामने से कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा। एक यहाँ पे है,
इस पर देखिए जाली का जो है अरेंजमेंट किया गया है कि जिससे इसमें कोई घिरे ना। तो दोस्तों यह रहा आज का एक प्लान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अब इसका जो है डायमेंशन प्लान देख लेते हैं। तो दोस्तों यह इसका प्लान है और इसका साइज़ है 30x42 फिट और यह पश्चिम मुखी प्लान है तो जो है जो पश्चिम मुखी प्लान में जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है वह पार्किंग के लिए एकदम अच्छा माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग दिया गया है। पार्किंग का साइज़ है 10x14 फिट का और ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ते ही लिविंग रूम है और यहाँ पे बाहर में स्टेयरकेस दिया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हॉल है जिसका साइज है 17x9 फिट x10 फिट 9 इंच का और यहाँ पर डाइनिंग टेबल चेयर लेआउट किया गया है। और यह देखिए साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा सा एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसका साइज है 13 फिट 5 इंच x12 फिट 9 इंच का और इसके लिए अटैच टॉयलेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूजा के लिए स्थान दिया गया है और यहाँ पे छोटा सा एक OTS भी दिया गया है, 3D में आपको दिखाया जाऊँ। और देखिए एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज है 5x9 फिट और इतना पोर्शन देखिए जो है OTS रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हॉल में वेंटिलेशन मिलेगा, इस टॉयलेट के लिए भी यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा और इस किचन के लिए भी यहाँ पर वेंटिलेशन इसको मिलता रहेगा। और यहाँ पे देखिए लिविंग रूम के लिए यहाँ पे विंडो लगेगा तो लाइट मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम के लिए एक विंडो यहाँ से लगेगा, एक विंडो यहाँ पर लगेगा। इस टॉयलेट के लिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो या वेंट लग जाएगा तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों यह रहा 30x42 का एक होम प्लान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक यह प्लान पहुँच सके। और यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत